सो गाइस हम बात कर रहे हैं ऐसी कंपनी की अभी 2022 में बहुत पावरफुल है। तो ये जो कंपनी का हार्डवर्क है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत हार्डवर्क किया है बाद में ये 2022 में बहुत पावरफुल हुई है। तो ये बात है 1892 की, जो कि 129 साल पहले की, 129 साल पहले की बात है। तो ये कंपनी के जो फर्स्ट ओनर थे वो जगदीश चंद्र महिंद्रा सर यानी कि जेसी महिंद्रा सर, और उनके छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा सर यानी कि केसी महिंद्रा थे। तो ये जगदीश चंद्र महिंद्रा सर जो थे वो यहाँ पे ही मतलब कि मुंबई में स्टडी की, और जो कैलाश चंद्र महिंद्रा से सर थे वो अमेरिका में स्टडी की थी। तो जगदीश चंद्र महिंद्रा सर को टाटा टाटा स्टील में जॉब मिल गई। तो उन्होंने 1940 तक, जेसी जेसी महिंद्रा सर ने 1940 तक टाटा स्टील में ही काम किया, और उन्होंने फिर 1940 के बाद जगदीश चंद्र महिंद्रा सर और मलिक गुलाम मोहम्मद सर ने दोनों ने मिलके खुद की स्टील कंपनी शुरू करने का प्लान किया। तो उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट तो की, पर 1946 में कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने की वजह से मलिक गुलाम मोहम्मद सर जो थे वो अपनी हिस्सेदारी लेके पाकिस्तान चले गए, और जगदीश चंद्र महिंद्रा सर जो थे वो अकेले पड़ गए थे। तो अकेले पड़ने के बाद ये कंपनी बहुत गिरावट में जा रही थी, और ये कंपनी सब लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी अब नहीं चल सकती। पर ऐसा नहीं था दोस्त, क्योंकि वो सब कहते हैं ना कि सक्सेस हार्डवर्क से ही मिलती है, इसलिए इस कंपनी ने हार नहीं मानी। और जगदीश चंद्र महिंद्रा सर और कैलाश चंद्र महिंद्रा सर ये दोनों ने इस कंपनी को बनाए रखा। ये फिर उन्होंने 1946 से 1946 में कुछ यूनिक करने का, मतलब कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैर रखा। जो कैलाश चंद्र महिंद्रा सर जो थे वो अमेरिका में स्टडी करके आए थे, उन्होंने वहाँ जिप्सी कार देखी थी। जिप्सी कार उन्होंने उन्हें इतनी यूनिक लग इतनी बढ़िया लगी और इतनी यूनिक लगी कि वो ये जो कार थी वो इंडिया में भी देखना चाहते थे। तो उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैर रखना था, इसलिए उन्होंने जिप्सी कार इंडिया में बनाना स्टार्ट किया। और 1946 से 1953 तक इस कंपनी को, मतलब 1953 तक इस कंपनी का इस कंपनी की जो जिप्सी थी उसका मैन्युफैक्चरिंग चला। और 1953 के बाद ये कार जो थी वो लॉन्च की ना, तो ये लॉन्च करने के बाद इस कंपनी का जो जिप्सी कार थी वो बहुत, मतलब बहुत पावर, मतलब बहुत फेमस हुई और सब लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो ये कंपनी बहुत पावरफुल हो गई, और पावरफुल होने के बाद इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो जगदीश चंद्र महिंद्रा सर और कैलाश चंद्र महिंद्रा सर जो थे उनका देहांत होने के बाद इस कंपनी को उनकी अगली पीढ़ी चला रही है। सो हम देखते हैं अब कार। बोनेट खोल लिया है, तो अब हम देख सकते हैं कि 4 सिलेंडर कार है। एयर फिल्टर दिया गया है, टर्बो दिया गया है, वो मास्टर बूस्टर दिया गया है, ये बैटरी दी गई है, ये कूलन पंप दिया गया है, इसके अंदर एसी कंडेंसर आता है, रेडिएटर आता है, फिर जो गाड़ी ज़्यादा हीटिंग हो जाए तो एक फ़ैन दिया गया होता है जिससे सब हीटिंग की जो गर्म हवाएं होती है वो सब बाहर निकल जाती है फैन की वजह से। सो हम ये जो इंजन है 2000 cc का है, और इसके जो PS है वो 150 PS है। और आप देख सकते हैं कि ML स्टेलियन TGDI है। तो अब आप दूर से देख ही सकते हो कि कार कितनी ब्यूटीफुल है, ब्लैक कलर कितना शाइनिंग मारता है वो आप देख ही सकते हो, हेड लाइट देख ही सकते हो, हेडलाइट है, साइड लाइट है, फॉग लैम्प दिया गया है, महिंद्रा के जो लोगों की जो फिनिशिंग है वो भी दी गई है। ये नीचे ग्रिल पे थार लिखा है, ये अंदर की ग्रिल देख सकते हो आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी शानदार लग रही है। और हम देख सकते हैं कि दूर से कि कार कितनी फिनिशिंग मार रही है, इसके आप टायर देख ही सकते हो, इसके टायर देख ही सकते हो कितने मिगेज आते हैं, और इसका मैगजीन भी देख सकते हो, और अंदर में डीस आती है जो कि एक कार तो ऐसे तो 4x4 है, पर बहुत
बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। पीछे का टायर भी आप देख ही सकते हो, तो हम अब देखते हैं कि अंदर के फीचर्स कैसे है वो सब हम देख लेते हैं। कार स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि थार डिस्प्ले में कैसे थार आ रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि स्पीडोमीटर दिया गया है और ये डिस्प्ले दी गई है जो कि 8 इंच की डिस्प्ले है। सो हम अभी इसके फीचर्स जान लेते हैं। उसके पहले एक बात बता दूं कि ये कार है जो है वो 4x4 है, यानी कि आप देख ही सकते हो कि एक गियर के सिस्टम के लिए दिया गया है और एक ये 4x4 करने के लिए 2x2 करने के लिए दिया 2x4 करने के लिए दिया गया है वो सब आप देख ही सकते हो। और ये एसी की डोयल जो है 4 डोयल दी गई है जो कि इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ब्यूटीफुल दी गई है। आप देख ही सकते हो कि यह हवा करने के लिए बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। सो हम अब इसके होम पेज पे जाते हैं। सब आप देख ही सकते हो कि इसकी स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन है, इसे जा सकते हैं। रेडियो दिया गया है, रेडियो में आप शुरू कर सकते हैं और इसका आवाज़ देख सकते हैं। हर किसी को स्टार्टअप करना है, प्रोसेस कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। तो जवाब है 21x72 स्टार्टअप समिट, जहां है वीसी फंड्स, एंजल नेटवर्क्स, एंजल इन्वेस्टर्स, 100+ स्टार्टअप एग्जीबिटर्स एंड एक्सपर्ट स्पीकर्स विद ऑल स्टार्टअप सॉल्यूशंस। सो आप देख ही सकते हो कि इसके साउंड सिस्टम की जो स्पीड है वो 13 तक है, आप देख ही सकते हो। फिर हम और होम पेज पे जाते हैं और इसकी सब एडवांटेजर देख सकते हैं कि 2x2 पे ये 2x2 पे हो सकता है, 4x4 पे हो सकता है, ये कितनी गाड़ी इंक्लाइंड है वो देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल है वो देख सकते हो, इसका टेम्परेचर देख सकते हो। ये आप देख ही सकते हो कि जैसे स्टेयरिंग घुमा रहा हो वैसे ये राइट में टर्न मार रहा है, लेफ्ट में टर्न मार रहा है वो दिखा रहे है। फिर आप देख सकते हो कि कस्टम कि टॉर्क्यू है, पावर है, टेम्परेचर है, पार्किंग में है ये गाड़ी, कार जो है वो पार्किंग में वो आप देख ही सकते हो। फिर इसके सेटिंग देख सकते हो, पावर है, टॉर्क्यू है, इंजन टेम्परेचर है, इंजन टेम्परेचर में देख सकते हो, फिर रोल है, व्हील एंगल देख सकते हो, फिर ओके, फिर आप ये सब देख सकते हो। ये फ़ोन जो है तो फ़ोन आपका ब्लूटूथ कनेक्ट करके फ़ोन की जो सिस्टम है वो सब इसमें चला सकते हो। फिर आप एंड्रॉयड सिस्टम सब देख ही लिया है। नाव दिया गया मतलब कि मैप आप जहाँ पे जाना हो डिस्प्ले में डाल के आप जहाँ पे जाना हो वो लोकेशन देख सको। जूमिंग ये प्लस हो गया, ये और प्लस हो गया, ये माइनस में भी जाता है। और डिस्प्ले स्क्रीन टच है मतलब ये ऐसे आप हैंड से भी स्मूथली रो करोगे तो हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि ये सेटिंग है, सेटिंग में इतने सारे फीचर्स दिए गए, साउंड सिस्टम दी गई है कि आपको जैसा आवाज़ चाहिए वो सब कर सकते हो आप। ई मैनुअल दिया गया है, सब सिस्टम इसमें दी गई है, इंटरनल व्हीकल कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ है, ब्लू एंड सेंट्स, एंड्रॉयड ऑटो, कार पहली इकोन सेंट्स, स्पीडोमीटर दिया गया है, बॉडी कंटेंट दिया गया है एक, ये दो और एक, मतलब कि 4 डोयल दी गई है, ये सब सिस्टम दी गई है। ये आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जो कि 12 वोल्ट का है। ये 3 सॉकेट दिए गए हैं जिसमें आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हो साउंड सिस्टम को। ये दो मिरर अप डाउन करने के, मतलब कि डोर के मिरर जो होते हैं वो अप डाउन करने को, 2 डोर है तो 2 मिरर दिए गए, 2 मिरर के स्विच दी गई है। टॉप पे 2 स्पीकर दिए गए और 2 ट्वीटर दिए गए हैं। एक डोर पे 1 स्पीकर दिया गया है और ये एक डोर पे 1 स्पीकर दिया गया है। तो आप देख ही सकते हो कि स्पेस ज़्यादा दी गई है, मतलब कि 4 सीट की कार है पर आप 5 पीपल्स आराम से बैठ सकते हो। और आप ऊपर टॉप पे भी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा फिनिशिंग दी गई है। ये हैंडल दिए गए हैं दोनों साइड, ये सीट बेल्ट दी गई है दोनों साइड जो कि आप
कोई दिक्कत नहीं आती। और ये देख ले, एक ये आप देख सकते हो कि इसमें ब्रेक लाइट दी गई है, पीछे स्पेयर व्हील दिया गया है। और इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि इसमें स्पेस ज़्यादा की दिया गया है, मतलब आप रेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर से पूरी कार का ओवरव्यू दिखा रहे हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख ही सकते हो। ये साइड लाइट भी दिया गया है, ये मिरर दिया गया है, और ये फिनिशिंग आप ब्लैक फिनिशिंग देख ही सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल कार है। पेट्रोल फ्यूल का डोर दिया गया है, ढक्कन दिया गया है, ये आप खोल सकते हो, इसे खोल सकते हो और बंद भी कर सकते हो। स्पेयर व्हील दिया गया है, ये बाहर से आप देख ही सकते हो कि नानावती से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये टेल लैंप दी गई है जिसमें थार का फिनिशिंग भी दिया गया है।